कांग्रेस 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कमलनाथ सरकार के 1.5 साल के कामों को लेकर जाएगी और जनता के बीच कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए लोगों का चेहरा उजागर करेगी, ये कहना है पूर्व सरकार में रहे वित्त मंत्री तरुण भनोट का। साथ ही राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को दूसरी वरीयता पर रखने पर बीजेपी नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा, बीजेपी को सवाल पूछने का हक नहीं है, बीजेपी को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को साजिश करके क्यों गिराया गया है? पूर्व मंत्री तरुण भनोट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं सर, विधायक दल की बैठक चल रही थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया है कि जो निर्णय है कि संगठन का, पार्टी के विधायकों का, कि हम सब कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को वोट करेंगे। जी सर, उपचुनाव को लेकर भी कोई चर्चा की गई? उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? उपचुनाव पे भी कोई चर्चा नहीं हुई, पर उपचुनाव तो सबको पता है कि हम कांग्रेस के ऊपर लोगों ने विश्वास करके हमारे प्रतिनिधि, अपने प्रतिनिधि के रूप में लोगों को भेजा था जो आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए हैं। तो हम बताएंगे जनता के सामने जाकर कि भाई हमने तो ये काम कर रहे थे, हम 15 महीने का कार्यकाल छोटा सा मिला था माननीय कमलनाथ जी को, उसमें ये काम हुए थे और ये तो खुद ही तारीफ करते थे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एकाएक ऐसा क्या हुआ वो? और मैं ऐसा मानता हूँ ये हमसे और आपसे दोनों से ज्यादा बेहतर उनके क्षेत्र की जनता को पता है कि वो क्यों गए। सर एक आठवीं सवाल लेता हूँ, जिस तरीके से कल राज्यसभा चुनाव है 19 तारीख को, कांग्रेस के वरीयता दिग्विजय सिंह को दी गई है, लेकिन फूल सिंह बरैया को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये जो है, बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है? बीजेपी तो जनता के सवालों का जवाब दे कि बहुमत हमारे पास था, उनके कम विधायक थे, हमारे ज़्यादा विधायक थे, 15 साल उनका शासन था, वो 167 से 107 पे आ गए, हम 54 से 114 पे पहुंच गए, तो उनको सरकार जो बनाई उन्हें इतनी क्या जल्दी थी, वो जवाब दें। वो माननीय दिग्विजय सिंह जी की, फूल सिंह जी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा करने का उनको कोई अधिकार नहीं। तो ये थे पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, जो साफ तौर पर कहना है कि तैयारी को लेकर बात की गई है और साथ ही उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई, लेकिन जिस तरीके से कहा है कि मुख्य जो अभी फोकस है कांग्रेस का वो राज्यसभा चुनाव को लेकर है और दोनों सीटों को लेकर विचार मंथन किया गया है। कैमरा आमिर के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।